नटू काका, हाँ, किसी का फोन बज रहा है। सो जा, फोन नहीं, तेरे कान बज रहे हैं। नहीं नटू काका, मेरे कान नहीं बज रहे हैं, फोन बज रहा है, सुनिए। यू आर राइट बागा, तेरे कान नहीं, फोन बज रहा है। हाँ, ओह सॉरी नटू काका, मेरा ही मोबाइल बज रहा है। ओके, एंजॉय। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है मेरी चिड़िया रानी? हाँ नहीं आ रही है, क्योंकि घोंसले पे ताला लगा है और चाबी खो गई है। किसको फोन लगाया इन्होंने? सेठ जी आप? हाँ मैं। ये घोंसले पे ताला, ये आप क्या बोल रहे हैं सेठ जी? नटू काका कहाँ है? यही है, वो कहाँ जाएंगे? हाँ तो दे उनको फोन दे। जी नटू काका, सेठ जी का फोन। पुट ऑन स्पीकर। बोलिए सेठ जी, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट फोन, व्हाट हैपन? मतलब इतनी रात गई फोन, क्या हुआ? अरे नटू काका, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, चाबी खो गई है। अरे तो इसमें टेंशन क्यों ले रहे सेठ जी, हमारे पास दूसरी चाबी है ना? मुझे पता है आप लोगों के पास दूसरी चाबी है, लेकिन मैं दुकान की चाबी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो घर की चाबी की बात कर रहा हूँ। घर की चाबी खो गई है और हम सब यहाँ बाहर फंसे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग किसी चाबी वाले को जानते हैं? हाँ, गंगाराम चाबी वाला है ना। शाबाश, तो वो गंगाराम को जितनी जल्दी हो सके आप फटाफट से सोसाइटी में लेके आ जाइए। अभी? लेकिन अभी तो वो सो रहा होगा। अरे भाई मुझे पता है वो सो रहा होगा, तो उसको जगाओ, उठाओ और कैसे भी करके उसको यहाँ लेके आओ। वो ना माने तो उसको भाई पापा करके लेके आओ, बोलना 5-25 ज्यादा दे देंगे। ओके ओके सेठ जी। सेठ जी आपके यहाँ ताला कौन सा है? सिल्वर कलर का। नहीं नहीं, मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, लैच लॉक है या ऊपर से लगाने वाला ताला है? क्यों, वो तुझे जान क्या क्या करना है? नहीं, वो चाबी वाले को बताना पड़ेगा ना सेठ जी, उस हिसाब से वो अपना सारा सामान लेकर आएगा। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो ऊपर से वो अलग से वो ताला मारा है सिल्वर कलर का। कलर से चाबी वाले को कोई मतलब नहीं होता सेठ जी। अरे ठीक है भाई, तो उसको मत बताना, लेकिन तू सुनना भाई, तुझे सुनने में क्या प्रॉब्लम है? ताला सिल्वर कलर का है, मैं बोलूंगा। चिल 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 सेठ जी, हम जितनी जल्दी हो सके गंगाराम चाबी वाले को लेके सोसाइटी पहुंचते हैं। हाँ ठीक है, जाइए जल्दी। क्या वो किसी गंगाराम चाबी वाले को जानते हैं, उसको लेके जितनी जल्दी हो सके वो सोसाइटी पहुंच रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। मेरे को नहीं लगता कि ये टाइम पे कोई भी चाबी वाला आने के लिए तैयार होगा। ये देखो ठुमका। छेठालाल, ठुमका नहीं, कुंठा कुंठा। हाँ वही, वो फिर से निकाला कुंठा। अय्यर भाई बात तो सही है। क्या सही है, क्या सही बात है? अरे मैंने क्या कुंठा निकाला? अरे अय्यर भाई आप नाराज मत होइए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात सही है। इतनी रात को चाबी वाले का आना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल है। मैं क्या कहता हूँ, एक मिनट। अरे भाई जब तक चाबी वाला आता है तब तक हम हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे रहे? हम किसी और तरकीब से ताला खोलने की कोशिश करते। अभी और क्या तरकीब है? ये देखो कांता। कांता नहीं, कुंठा कुंठा। हाँ वही, वो बार बार निकल रहे। अरे अय्यर भाई आप क्या कर रहे? जेठालाल छोड़ो ना इसको। पोपटलाल तुम बोल रहे थे कुछ तरकीब, क्यों कोई तरकीब है तुम्हारे पास ताला खोलने की? बताइए। लेडीज हेयरपिन से ताला खोलने की कोशिश करे तो? पर पोपटलाल लेडीज क्यों ताला खोलने की कोशिश करेगी, हम इतने जेंट्स हैं, हम कोशिश करेंगे ना ताला खोलने की। सही बात है। अरे भाई मेरा मतलब है लेडीज की हेयरपिन से जेंट्स ताला खोलेगा। पोपटलाल से की बोलो ना, की इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग राइट नाउ। ओ मेहता साहब, की दी की गल कर रहे हो भाई? नहीं नहीं कुछ नहीं, सॉरी, बस वो तरकीब पूछ रहा हूँ। हाँ तरकीब बताओ ना पोपटलाल।
वो फिल्मों में नहीं दिखाते हैं कि लेडीज की हेयर पिन को ताले के अंदर डालकर फिर ऐसे 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 करते हैं और फिर कुड़क करके आवाज आती है और ताला खुल जाता है। हाँ करेक्ट करेक्ट, हमने भी बहुत फिल्मों में देखा है। हाँ बराबर है बराबर है, मैंने भी कई फिल्मों में ऐसे ऐसा ताला खोलते हुए देखा है। मैंने भी देखा है ना। एक मिनट, ये लीजिए पॉपर्स भाई। टप्पू के पापा आप लोग ताला खोलने की कोशिश कीजिए, तब तक हम लोग सोसाइटी ऑफिस में देख कर आते हैं जरा। हाँ ठीक है ठीक है। खुला खुला, एक मिनट। ओ पप्पू, अब बहुत देर लगा रहा है भाई। अरे भाई सोडी, मैं पत्रकार हूँ, चोर नहीं हूँ। ये हेयर पिन से घर का ताला खोलने की प्रैक्टिस नहीं है मुझे। को लगा तुमने आइडिया दिया तो शायद तुमने ताले खोले होंगे ऐसे। अरे भाई मैंने आइडिया दिया था, इसका मतलब मुझे आता है। अरे भाई पोपटलाल, तुम बहसबाजी बंद करो, कोशिश करो। वही कर रहा हूँ आती भाई, डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। ये आइडिया ही बकवास है। अंगड़ाई क्या ले रहा है भाई? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे गड्डी के नीचे घुस के गड्डी रिपेयरिंग कर रहा है। हुआ कुड़ुक, हुआ कुड़ुक। नहीं बस अभी किसी भी वक्त हो जाएगा। एखादा हार्ड कुड़ुक वाइचा है बाबा हाड़ू। झटिया। हाँ बाबू जी। चल तू। हाँ हाँ चलिए चलिए। कहाँ जाना है? वो जरा चल चल। कहाँ जाएंगे बापू जी, घर तो सबके बंद है। पापा आप रहने दीजिए, मैं और गोली दादाजी के साथ जाते हैं। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, लेकिन तू चुप रह। चल 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 संभाल के संभाल के। चल बेटा जल्दी चल। गोली गोली जल्दी चल। हाँ दादाजी। अरे जल्दी चल बेटा, जल्दी चल। बच्चों यहीं रुको। इसे खुले में जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। रुकड़ पोपटलाल। अरे जल्दी करो पोपटलाल, देखो बापूजी की क्या हालत हो गई है। अरे भाई ये मेरे बस में नहीं है। बाबू रहने दे, और तुझसे नहीं होगा, और पाना दे मैं खोलता हूँ। पाना नहीं सोड़ी, पिन पिन है पिन। ओ मैं तो साहब मेरे वास्ते तो ही गाला है ना। अभी अभी खुल जाएगा सोड़ी अभी। अरे तू इतना टाइम लगाएगा तो कैसे होगा? सोड़ी इधर। अरे अरे सोड़ी, अरे अरे मुझे खोलने दे भाई, मैं खोल। अरे जाओ छोड़ना यार, वैसे करो दे। अरे यही कर रहे हैं भाई, सब को खोल के ही रहूंगा। आराम से आराम। अभी पेशेंस खत्म हो गया यार, कार बना के रखा है।
हिम्मत मर्दान बदो के खुदा खुलेगा खुलेगा। खुला कहाँ है? सोडी, ताला तो खुला नहीं है। ओ यार, ओ मैंने कब बोला कि ताला खुल गया है? अरे नहीं खुला। लेकिन टक, ऐसी आवाज तो आई थी। अरे वो तो ताला खुल नहीं रहा था, इसलिए मैंने अपने मुंह से ऐसा करके किया। नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना था, मैंने अच्छे से सुना था कि ऐसा मुंह का आवाज तो आया था, लेकिन साथ में टक ऐसा आवाज भी आया था। टक की आवाज हुई थी? हाँ जी हुई होगी। वो ये पिन टूट गई ना, तो उसी की आवाज हुई होगी। पिन टूट गई? हाँ जी। सत्यानाश। हाँ जी, वो आधी अंदर रह गई और बाकी आधी मेरे हाथ में आ गई। चलो भाई, ये पिन का आइडिया तो फ्लॉप हो गया। चलो नीचे चलते, चलो। अरे ताला क्या, पिन ही टूट गई। अरे देवा। अरे कोई बात नहीं, मैं दूसरी पिन देती हूँ, मेरे बालों में तो बहुत सारी पिन है। नहीं नहीं, पिन से ताला नहीं खुल रहा है, बहुत कोशिश की, नहीं खुल रहा है ताला। काश ये पोपटलाल पत्रकार के जगह चोर बनना होता तो ताला खुल जाता। जेठालाल, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि विद्यार्थियों को सही समय पर सही करियर गाइडेंस मिलना कितना जरूरी होता है। मतलब तुम्हारे हिसाब से मैं गलत प्रोफेशन में हूँ? मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल। अरे भाई, ये मजाक का वक्त है? तो तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो पोपटलाल? जेठालाल शुरुआत की मजाक, इसलिए मैंने बोला। वो भाई, वो मैंने क्या शुरुआत की? अरे तुमने बोला ना अभी कि पत्रकार पोपटलाल पत्रकार की जगह चोर होता तो अच्छा होता। हाँ तो मैं मजाक नहीं कर रहा था जेठालाल। भाई मैं तो कहता हूँ, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं ये ताला खोल दूंगा। मैंने ऐसी पिन से कई बार सूटकेस पर लगे हुए ताले खोले हैं। सूटकेस पर लगे हुए ताले? अरे वो तो पिन से भी छोटे होते हैं पोपटलाल। काय माणूस है यार। तो अब क्या करें? इंतजार करते हैं, नटू काका और बाघा भाई चाबी वाले को लेकर आते ही होंगे। हेलो नटू काका। सेठ जी, हम दोनों गंगाराम के घर तो आ गए, लेकिन बाद में पता चला कि अब वो यहाँ नहीं रहते, यहाँ तो ये जमुना प्रसाद रहते हैं। वो चाबी बनाता है? एक मिनट सेठ जी, आप चाबी बनाते हैं? नहीं, मैं पान बनाता हूँ। नहीं सेठ जी, ये तो पान बनाते हैं। अरे तो अभी क्या मैं ताले में कलकत्ती और बनारसी पान डाल के ताला खोलूं? सेठ जी यू आर वेरी फनी। अरे नट्टू काका हंसना बंद करो और उसको पूछो कि वो गंगाराम कहाँ रहने गया है। सेठ जी, हमने पूछा, वो कहीं चीकूवाड़ी में रहने गए हैं। हाँ तो फटाफट चिकुवाड़ी जाओ और गंगाराम को ढूंढो और कैसे भी करके उसको लेके यहाँ सोसाइटी पहुंचो, या हम सब लोग घर के बाहर फंसे हुए हैं। नटू काका जल्दी करो, फटाफट लेके आओ उसको यहाँ पे। जी सेठ जी। क्या क्या हुआ, ताला खुला? बापू जी, वो पिन से ताला खुल नहीं रहा है और वो चाबी वाला मिल नहीं रहा है, वो कहीं और रहने चला गया है। उसका पिन कोड चेंज हो गया है। सॉरी। तो अब क्या करेंगे हम लोग? तो क्या करेंगे, अब आपका ये रोशन सिंह सोडी एक फर्स्ट क्लास आइडिया निकालता है क्या? और सीधे जाके ताला ही तोड़ देते हैं। अच्छा, तोड़ दो। नहीं नहीं, सोडी भाई ताला नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों? वो ताला मेरी माँ ने दिया है, अगर आपने ये ताला तोड़ दिया तो माँ का दिल भी टूट जाएगा। शादी के वक्त माँ ने मुझे बड़े प्यार से ये ताला दिया था और कहा था कि ये ताला अपने दरवाजे पर लगाना, ये हमेशा तुम्हारे घर की रक्षा करेगा।
जब तक ये ताला तुम्हारे दरवाजे पर है तुम्हारा घर सुरक्षित है। टप्पू के पापा ऐसा समझिए कि वो ताला नहीं आपका साला है। बराबर है दया पापा जी, मम्मी जी ने अगर ताला दिया फिर तो नहीं तोड़ सकते, पर दरवाजा तो तोड़ सकते ना, वो तो मम्मी जी ने नहीं दिया। हाँ नहीं नहीं दिया तो तोड़ दे दरवाजा, तोड़ दे से? क्या तोड़ दो दरवाजा है, क्या तोड़ दो दरवाजा। और भाई सोड़ी जोर मत लगा, थोड़ा दिमाग भी लगा, ऐसा कैसे टूट जाएगा दरवाजा, दरवाजा तोड़ना इतना आसान नहीं है। दरवाजा तोड़ देते। जेठिया जेठिया ये सब तेरी वजह से हुआ। अरे लेकिन कुछ नहीं, पूरी सोसाइटी में ढूंढा फिर भी चाबी नहीं मिली, पिन से ताला नहीं खुला, चाबी बनाने वाला कहीं मिल नहीं रहा है। अरे सब लोग परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, सबको नींद आ रही है, चार लेडीज और तीन बच्चे सोसाइटी के ऑफिस में मच्छरों के साथ सोए। ये सब तेरे चाबी खोलने की वजह से हुआ है। नहीं अब मैं कुछ नहीं जानता, अभी के अभी तू जा और कहीं से भी चाबी ढूंढ के ला बस। साहब अभी क्या करे, कहाँ ढूंढे चाबी? क्या बताऊं जेठालाल, मेरा भी दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक जगह है जहाँ पे चाबी मिल सकती है। कहाँ? जेठालाल तुम कंपाउंड से सीधा बस में बैठे थे तो हो ना हो चाबी बस में ही गिरी है। मेरे पास ड्राइवर वाले का नंबर है, मैं उसे फोन लगा था। हाँ, लगा, लगा। फोन नहीं उठा रहा है। अरे उसको बोल थोड़ी देर के लिए तो उठा ले। खैर अगर फोन नहीं उठा रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है भिड़े, ये जितने ट्रैवल एजेंट होते हैं नॉर्मली ये अपनी बसेस अपने ऑफिसेस के आसपास खड़ी करते हैं, तो अगर तुम्हें इसका ऑफिस का पता मालूम है तो तुम लोग वहाँ चले जाओ, ये बस वही होगी, उसमें चाबी ढूंढ लेना। ठीक है। तुम लोग वहाँ जाओ मतलब आप? मैं यहाँ पीछे चाचा जी को संभालता हूँ ना। थैंक यू। ओ यारो मैं गाड़ी लेके आता हूँ, मैं बापू जी का आशीर्वाद लेके आता हूँ। बापू जी जिस बस में हम लोग सिद्धिविनायक गए थे वो बस में हम लोग चाबी ढूंढने जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए चाबी मिल जाए बापू जी। हाँ टप्पू के पापा आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैंने साड़ी के पल्लू में गांठ बांध ली है ना, तो सुबह होने से पहले चाबी मिल ही जाएगी। आते थैंक यू माता साहब। दोस्तों जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चाबी मिलने की संभावनाएं क्षीण होती जा रही है। सोसाइटी वालों को चाबी नहीं मिल रही, नटू काका और बाका को चाबी वाला नहीं मिल रहा, और यहाँ पे इन तालों को खोलने की कोई युक्ति नहीं मिल रही। भाई किया जाए तो क्या किया जाए, इस वक्त ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर ये ताले कैसे खुलेंगे, कैसे जाएंगे सोसाइटी वाले अपने अपने घरों के भीतर, क्योंकि इस वक्त आधी रात को बस को खोजना और बस में से चाबी को खोजना ये उपाय तो जरूर हो सकता है, लेकिन ये ठीक वैसा ही है जैसे घास के ढेर में से किसी सुई को खोजना। सबकी आशाओं के दीपक लगभग बुझते चले जा रहे हैं सिवाय दया भाभी के, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि सुबह के पहले चाबी जरूर मिल जाएगी क्योंकि उन्होंने गांठ जो बांध ली है। अब देखना यह है कि भाई चाबी के मिलने की ये गांठ खुलती है या नहीं खुलती, यहां घरों के ताले खुलते या नहीं खुलते, लेकिन इतना जरूर तय है कि आपके घरों में ठहाकों के ताले हम खोलेंगे उस एपिसोड की चाबी के साथ जो आप मेरे साथ देखेंगे कल। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.